में ले जाएंगे। चमेली, हम तो पहले एहसानों के बहुत से लबन हैं बेटा। कैसी बात नहीं है माँ जी, आज उनकी नौकरी लगने वाली है और मैले कपड़े पहन के गए तो। अच्छा मैं जाती हूँ बेटी। अच्छा माँ जी। बोला बोला निकल निकलो बड़े भैया, मैदान साफ है। गए धरती धना, तू पहले बोलना, ठीक बोलना। वो तेरे लिए क्या करती है अब तू? अब तुम दे माँ, इनको रख के रुपए लूंगा, उसके बाद रुपए से सेकंड हैंड तू, उसके बाद डॉक्टर के सामने इंटरव्यू और उसके बाद कंपाउंडर की नौकरी। बाय। डॉक्टर बनने के बाद सुजय नाई को मत भूलना। चाचा आज अपनी नौकरी लग रही है। ऐसा भगवान तुम्हें खुश रखे। बोला कुछ रखने आए या छुड़ाने? छुड़ाने की बात तो ऊपर वाला जाने, अपन तो रखने के लिए आए। शाबाश मेरे मिट्टी के शेर, माल मिट्टी की जा सकती का सही, मगर हूँ शेर तुम्हारी तरह भेड़ की खाल पहन कर। भेड़िया नहीं, क्या था? माल आने दो माल। दस दस के दो और सीकरम पो। थैंक यू। बीस रुपए में कुछ बात बनी नहीं? अम्मा भाई तू क्या बीस रुपए में आप किसी की जान ले लेंगे? बड़े लक्की हो, इसी सूट को पहनकर लॉर्ड किचनर दिल्ली दरबार गए थे और आज तुम पहने हुए हो। क्या पर्सनलिटी है, हीरो मालूम होते हो। हजारों में खड़े हो जाओ तो छोकरी की नजर सिर्फ तुम पर पड़ेगी। मुझसे नौकरी कर पढ़ना मांगता है, छोकरी की नहीं, क्या समझे? अंगूठा बाहर जाएगा और फूल अंदर आएगा। समझ गया, तुम इधर आएगा हम उधर जाएगा। डॉक्टर आज वो इंटरव्यू। वेट प्लीज मैडम। वेट प्लीज। 135 पाउंड। व्हाट? वजन 135 पाउंड। 30 से 5। यू फूल। फूल बहुत है, लेके जाओ डॉक्टर। वो डॉक्टर आपको मेरे साथ एक मरीज को देखने चलना इसी वक्त। लेकिन मगर मैं डॉक्टर सारी डॉक्टर, लेकिन कुछ मान नहीं है सर। एक लड़की ने जहर खा लिया और उसकी जान तुम्हें बचाना है। अगर तुमने इस रात को राज रखा तो मुंह मांगा नाम मिलेगा, वरना। डॉक्टर साहब, ये आपका केस और ये मरीज। ओके, इतना से इलाज कीजिए। मेरे तो बाप दादा ने कभी इलाज नहीं किया और
वो तो एकदम ठंडी हो गई। दवा तो रहा, अब तो दुआ का वक्त है। भगवान इसको किसी तरह से ठीक कर दे, वरना इसके साथ मुझे भी ठंडा होना पड़ेगा। भगवान सुन ले, भगवान सुन ले, भगवान सुन ले, भगवान सुन ले, थैंक यू भगवान, जान बची। वहां मत जाना। क्यों क्यों? वहां जान बचाने वाला नहीं, लेने वाला खड़ा। बाप रे, तो फिर अब क्या करें? मैंने जहर नहीं खाया। तो फिर ये क्या है? ये तो साबुन का झाग है, ये देखिए। ये लोग सब गुंडे हैं, मैं इनके चुंगल में फंस गई हूँ। अब मेरे साथ आपकी जान भी खतरे में है, यहाँ से कोई निकलने की तरकीब कीजिए। अब भी सोचता हूँ। दिल की धड़कन सही, कलेजे का थड़कना बंद, दिल की हरकत सब गलत। तरकीब ये है कि तुम जल्दी से चादर बांध लो। चलो चलो चलो। जल्दी 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 चलो। यहां से गए कमबख्त। तुम लोग फौरन उन दोनों का पीछा करो, बस के जाने पर। बहुत अच्छे, क्विक। अब मुझे किससे उतरेंगे? ठहर जा, तरकीब। क्या तरकीब? अरे अरे लेडीज फर्स्ट। मगर तुमको जाना कहाँ है? जहाँ सर छुपाने को जगह मिल जाए। क्या बात है? अभी कुछ मत पूछिए, वक्त आने पर अपने आप मालूम हो जाएगा। निकल गए। भैया जी, गाड़ी रखो जरा। कहाँ बात है हो? इधर से एक आदमी और एक लड़की को फांसते देखा है तुमने? अरे ये तो बहुत चलावत है। पहले छुकरिया भागा था टोकरा के पीछे, और फिर छोकरा भागा था जिंदगी भरों के पीछे। ए भैया, ना ठीक से जवाब दे, देखा है कि नहीं? नहीं। ये कौन है तुम्हारे साथ? ये हमार महरारू है, हम हाई भी आए के लाते। ऐसा घूमे रहता है इसका, हम इसे देखने चाहते। खबरदार है, जो उंगट घूंगट का नाम लियो तो तू इनको बराबर करके रख दिया। हम थोड़ा बनाई कहीं दिया था, याद रखो। अब भाई तो हमारी हमारू का मुंह नहीं देखी है तो तौका कब सिखाई दिया। चलो रास्ता ना तो। अरे छोड़ो यार, किस चक्रम के चक्कर में पड़े हो। चलो इस समझदार दिखाते पर रखे। ये भाई भाई मुझसे लाभ छुपाने की कोशिश की, लेकिन आखिर मैंने मालूम कर ही लिया। वो कोई मामूली लड़की न थी, शंकरगढ़ स्टेट की राजकुमारी थी। तुम उससे शादी करके सारी स्टेट पर कब्जा करना चाहते थे। तो फिर मैंने तुम्हारी असलियत उस पर जाहिर कर दी है। मैंने उसे बता दिया है कि तुम खूनी हो, बदमाश। मुझे घराने की लड़कियों को अपनी जूझे मोहब्बत के जाल में फांस कर उनकी दौलत लूटना तुम्हारा पेशा है। तो फिर मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे होते हुए तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। और तुम्हारे बाद? मेरी बात मेरा मतलब है कि प्रिंस किन उलझनों में पड़ गए आप। छोड़ो छोड़ो, जाओ शामा, तुम जाओ जाओ। हाँ जाओ, लीजिए शरबत पीजिए, हटाइए इन बातों को।
देखो तुम लोग, हर होटल, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर नजर रखो। जहां भी राजकुमारी जी मिले मुझे फौरन खबर करो। गेट आउट। मिस्टर जॉन, उसको मुझसे बेहद मोहब्बत थी, जबी तो राजमहल छोड़ के यहाँ चली आई। यहाँ इस श्यामा ने गड़बड़ कर दी और वहाँ उस बुढ़े दीवान ने, वरना राजमाता तो हमारी शादी पर बिल्कुल तैयार हो गई थी। खैर वो तो जो हुआ सो हुआ, मगर अब हमें ये जगह खाली कर देनी चाहिए, वरना अगर उसने पुलिस स्टेशन पर इत्तला दे दी या शंकरगढ़ पैलेस में जाकर राजपाश कर दिया तो। तुम इसकी फिक्र न करो मिस्टर जॉन, वो शंकरगढ़ पैलेस तो जाएगी नहीं, क्योंकि राजमाता ने उसकी शादी उबरपुर के ठाकुर से तय कर रखी है, और पुलिस स्टेशन वो जा ही नहीं सकती, क्योंकि अगर वो गई तो उसके तमाम मोहब्बत के खतूत और फोटोग्राफ जो मेरे पास है वे हमें शाय करा था। बस तो फिक्र की क्या बात है, पुल के नीचे से ही पानी बहेगा, हो जाए शरबत। बेचारी। दीवान साहब, दीवान साहब। ये चीज है, जी राजमाता। इंदिरा बेटी अभी तक नहीं लौटी? जी नहीं, लेकिन मैंने उन्हें तार दे दिया है। तुम्हें खुद जाना चाहिए था दीवान साहब, पहले बिना इजाजत घर से पैर बाहर नहीं निकालती थी, अब किसी को कहे बगैर माफिरान चली गई आग हवा बदलने के लिए। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा दीवान साहब, उबरपुर के ठाकुर साहब को भी दिवाली थी। जीते जी देखते के हाथ पीले हो जाए तो अच्छा है। चीज नहीं यार है, आपको हार्ट ट्रबल है, आपको बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए। राजकुमारी राजनी इंदर राजमाता को हटा। दीवान साहब आप इस खबर को राजमाता से जब तक छुपा सके छुपाइए, इसमें उनकी जिंदगी और मौत का सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सब रियासत शंकरगढ़ के वफादार मुलाजिम, बरसों से राज का नमक खा रहे हैं, तुम्हें वो राज मालूम है जिस पर स्टेट की इज्जत, राजकुमारी इंदिरा के मुस्तकबिल और राजमाता की जिंदगी और मौत का दारोमदार है। हकीकत को भूल जाओ और सिर्फ इतना याद रखो कि राजकुमारी साहिबा सब्जी आब हवा के लिए माथान गई हैं। समझ गए? जा सकते हो, तुम ठहरो। देखो यूं तो हमारी तरफ से राजकुमारी की हर जगह तलाश जारी है, लेकिन तुम दोनों इस काम के लिए खास तौर पर मौजूद हो, क्योंकि सूरतों से बेवकूफ मालूम होते हो। माँ जी खीर लाई हूँ उनके लिए। पारी से ले ली? हाँ। तो कितना ख्याल करती है भोला का, जा इसे छीके पर रख दे। छीके पर? हाँ। अरे ये ले और देख, जरा इसे ऊंचा कर देना ताकि किसी के सर पे ना लगे। जान बची और लाखों पाए। बल्लू तो बल्ली उठाओ, आगे उठो उठो, संभाल के इधर लगा, इस लकड़ी पे, इस लकड़ी पे लग, ये लग गई ना। छोड़ छोड़ छोड़। अरे बेटा बेटा कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं। अरे पर जीवित नहीं आने का रास्ता। अच्छा माँ कोई आया तो नहीं था इधर? नहीं तो क्यों, ये कौन? ये मेहमान है समझ लो। माँ आज मैंने अपनी जान पे खेल कर इसकी जान बचाई। मेरा नाम इंदू है माता जी, बेसहारा हूँ, अगर आप लोगों का सहारा मिल जाए। अरे बेटी जो खुद ही बेसहारा हूँ वो दूसरों को क्या सहारा देंगे। मेरी हालत पर रहम खाइए माता जी, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं करूँगी, आप लोगों से बोझ बनकर नहीं रहूंगी। ठीक है बेटी, मेरा भोला तुझे लेकर आया है, मेरे बेटे की खुशी मेरी खुशी। बाप रे धरती धमक कठोर, तुझे बात करने के लिए आती भोला? वो बेचारी कितने प्यार से तेरे लिए खीर बना के लाई है। खीर? अरे बात चमेली तेरा जवाब नहीं है। पिला दो अपनी इसको, मैं जा रही हूँ। अरे सुन तो चली कहाँ? क्या है ऐसे
चलो अच्छा हुआ, खीर के साथ चमेली भी गई। लेकिन बेटा तेरी नौकरी का क्या हुआ? नौकरी तो नहीं मिली माँ, लेकिन ये मिल गई। ये लो। ये क्या? ये झाड़ू है, तुम इधर साफ करो जब तक कि मैं सबके खाने का प्रबंध करता हूँ। चाचा तो फिर क्या कोई और मेहमान आ गया? आपके आ गया नहीं, आ गई। एक ही बात, रोटी और चटनी छींके में रेडी है, उठाकर खिला दो। मगर एक बात है बेटा, कि अब कुछ काम काज किए बगैर नहीं चलेगा। अरे और कुछ नहीं होता तो जो सांप के पिटारे उठा लो और सपेरा बन जाओ। क्या कहा? सपेरा बन जाओ? लिखे पढ़े हो इसलिए शर्म लगती? अरे बेटा जो काम से शर्म करता है उसे आराम कभी नहीं मिलता। ठीक है चाचा, जो करे शर्म उसके फूटे करम। अभी तो मैं चलता हूँ इसलिए कि रोटी है गरम। माँ आज वो फर्स्ट क्लास खाना लेकर आया हूँ जिसके लिए ना प्लेट की जरूरत है ना थाली की, अपना हाथ चगन्ना। और ये सॉलिड रोटी माँ, इसमें ए से लेकर रेड तक विटामिन मौजूद है। डॉक्टरों का कहना है कि जितना ज्यादा चबाओगे उतनी जल्दी हजम होगा और दांत भी मजबूत हो जाएंगे। ये बात है। देखा जुकाम भाग रहा है। पानी पियो, पानी करवा करवा कर, पानी 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 पियो पियो पियो। क्या करूं रजनी आए न बाल। खाना खा लो बेटा। मैं नहीं खाऊंगी। खा लो बेटा, पानी ले कर। कठोर क्या करूं सजनी आए न बाल। यही अपना स्मृति फूट है और यही अपनी रजाई। माता जी देखा बटन भी टूट गया। माता जी और मुन्नी तो बहुत ही खाने में सो गई हैं। मैं अपने सोने का प्रबंध करता हूँ। ये देखा, ये है अपना काली, जल्दी से पकड़ो और बिछा डालो। अच्छा, और ये रहे तकिए, सो जाओ। समझ गया, पार्टीशन नहीं। उसका भी प्रबंध है। ये देखो, ये लेडीज डिपार्टमेंट, ये जेंट्स डिपार्टमेंट, और ये रही अपनी शॉल, कश्मीरी शॉल। सो जाइए, ये लो शॉल ओढ़ लो। अब कहाँ तलाश करें राजकुमारी को? भाई अपनी तो समझ में कुछ नहीं आता। तुम्हारी समझ में नहीं आता तो मेन राज माता के लिए तो गधे घोड़े दोनों एक समान, न उनकी ये न ये। किसी भी लड़की को राजकुमारी बनाकर उनके सामने लाके खड़ा कर दो। कह तो दिया कि यहाँ कोई जगह खाली नहीं। सुनिए वो क्या बात है? जी देखिए मुझे कोई काम चाहिए और शंकर के स्टेट की तरफ से मुझे अखबार में नौकरी के लिए। जी हाँ जी हाँ, आप ऐसी लड़की के लिए नौकरी की क्या कमी है? आइए आइए। दीवान साहब देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। इतना इनाम देंगे कि सारी जिंदगी चैन से कट जाएगी। तकदीर जाग उठी इस लड़की की। और बस अब जरा दीवान साहब की नजरें इनायत हो जाए, राजकुमारी बनकर राज करेगी। लोग कहते हो इधर कहाँ गए? कहाँ चली गई? हाथ में आया हुआ शिकार निकल गया। बारी माथा हम चली गई। आप समझती क्यों नहीं? राजमाता ठीक समझ रही। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं एक शरीफ लड़की हूँ जो गुंडों से बचे इस मकान में आई।
मुझे पनाह चाहिए। पनाह मिलेगी, जो मैं कहता हूँ वो करो। देखो लड़की, जब तक ये आला हराज इसके कान में लगा रहे तुमको खामोश रहना होगा। राजमाता इन्हें आराम करने की इजाजत दीजिए, राजकुमारी साहिबा सफर से थकी हुई तशरीफ लाएंगी। मैं तो भूल ही रही थी, जाओ जाओ बेटी, जा के आराम करो, जाओ। चलिए राजकुमारी साहिबा, चलिए। योर हाइनेस, आपकी दवा। अब दवा की क्या जरूरत है, अब तो मेरी इंद्रा बेटी आ गई है। तुम्हें काम चाहिए ना, मैं तुम्हें काम देता हूँ। हम सब बहुत मुसीबत में हैं, तुम अगर कुछ दिनों के लिए राजकुमारी बन जाओगी तो राजमाता की जान बच जाएगी और तुम्हारा हम सब पर यह बहुत बड़ा एहसान होगा। दीवान साहब, मैं माफी चाहती हूँ, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। ऐसी क्या मजबूरियां हैं? तुम्हारे माँ बाप हैं? नहीं। और कोई है? इस दुनिया में कोई नहीं, कोई। तुम बहुत ज्यादा दुखी मालूम होती हो बेटा, मुझे तुम अपने बाप की जगह समझो, अपने दुख दर्द में शरीक करो, शायद मैं तुम्हारे काम आ सकूं। सुनाओ मुझे अपने दुख की कहानी, सुना बेटे। दीवान चाचा, मैं एक गरीब खानदान में पैदा हुई, होश संभाला तो अपने आप को तना पाया, तालीम का शौक कॉलेज तक ले गया और वही विनोद से मुलाकात हुई। किस्मत की खूबी देखी, यहाँ गरीबी की इंतहा थी और वहां अमेरिकी। खैर, हम दोनों रोज एक दूसरे से मिलते, न उसको मेरे बगैर कहना था, न मुझको उसके बगैर। जिंदगी एक हसीन ख्वाब लगने लगी, लेकिन अचानक वो ख्वाब टूट गए। एक दिन विनोद के पिताजी आए और कहने लगे, ये बात विनोद भी नहीं जानता बेटी, वो बहुत छोटा था तभी मैंने उसकी शादी अपने एक पुराने दोस्त लाला लखपत राय की लड़की शीला से कर दी थी। अब अगर तुम विनोद से इस बात का जिक्र करोगी तो वो शादी की जिम्मेदारी को अपने सर कभी नहीं लेगा। वो जरूर तुमसे शादी करेगा, लेकिन इसके बाद उस लड़की का क्या हाल होगा बेटी? मैंने बहुत सोचा, आखिर यही तय किया कि विनोद की जिंदगी से अलग हो जाऊं। जान दे देगी। आप लोगों को अगर शोर मचाना है तो कहीं और जाके मचाइए। जी डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं? मेंटल शॉक बहुत ज्यादा हुआ है, होश में आने के बाद मुमकिन है पेशेंट दिमागी तवाजुन खो बैठे। घबराने की कोई बात नहीं, मैंने नर्स को सब कुछ समझा दिया है, होश में आते ही फोन कर देना, समझे? Thank you.
कल जा रही हो, मैं भी आता हूं। मैं भी आता हूं। क्या हुआ है?
अप्रैल को मारे मकान में रहना है तो कल फजर को मारो, छह महीने को भाड़ो चुप तो कर दे, नहीं तुम्हारो मकान खाली कर दे। हाँ देख रहा है बड़ी दाने पे सब घट अस्सी रुपया आए, अगर सुबह तक हम मोहलत देता है ना मुझे मोनो मत इंदे कोची। ओ बोला कल सुबह तक हमारा रुपये मुनाफे के साथ वापिस कर दो, नहीं तो ये टैक्स काट भत्ता सब ये की जाएगा। कोची हम पठान के फर्जंद है। चलो भाई हेलो हेलो देखा तुम फिकर मत करो माँ, बात असल ये है कि नौकरी अपने को मिलती है नहीं, अच्छा धंधा अपने बस का नहीं है, अब तो एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता बेटा? वो ये कि मुझे वो बीन बजाना तो आती है, चाचा से साथ ले लूंगा, वो कई बार कह भी चुके हैं, और सपेरा बनूंगा और अपने के वो कहना भाई माँ चले थे डॉक्टर बन गया, बन गए सपेरा। सुखिया काम कोई बुरा नहीं होता है, बुरा होता है हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना। बोला इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। ये बात है एक पर एक ग्यारह शाबाश, चलो चाचा के पास चलते हैं। ये संभाल तेरा अच्छा सोलिया ओलिया। चाचा बस जो आपने कहा था आज से शुरू, मेहनत करेंगे और पेट भरेंगे। शाबाश अब जाओ अंदर से बीन और वो सांप के पिटारे उठा लो, कपड़े भी टंगे हुए हैं। देखना काले पिटारे को हाथ पर लगाना, बड़ा जहरीला सांप है, नए दांत निकाल रहा है। काला पिटारा ना? हाँ काला पिटारा। अच्छी बात है। की हालत बहुत नाजुक है। हालत अपनी कौन सी अच्छी है? ओ, तुम देखो तो सही किस कदर बुखार है, अगर इस बेचारे को ऐसी हालत में मना छोड़कर आता तो पता नहीं जान पे क्या बनती इसके। मालूम होता है दुनिया भर की जान बचाने का ठेका रखा है मेरे भैया। चौप जल्दी से लेट जा। तुम फिक्र मत करो माँ आज के पका देने। Thank you.
बिमला, मेरी बिमला, मैं अपनी बिमला के पास जाऊंगा, मैं अपनी बिमला के पास जाऊंगा, मैं अपनी बिमला के पास जाऊंगा। काले पिटारे के साथ में काट लिया, पिटारा पिटारा, बिमला के पास जाऊंगा। बंद कर, बंद कर। बार बार कहा था कि सांपों से खेलना अच्छा नहीं, लेकिन मैं भी फोन सुनता हूँ। चल भी जाकर बुला कर कहा करती हूँ, चल 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 चल। मैं भी बना के पास जाऊंगा। चल बेटा, चल। ये रास्ता साफ हो गया, मिलन की खड़ी नजदीक आ रही। वो देखो, बिमला मुझे पुकार रही, मुझे बिमला पुकार रही। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। नहीं तो बिमला नहीं, तुमने क्या कर रही? बिमला, हे भगवान, बिमला, मुझे लगा दे। बिमला, मैं दिन भर से सांप को ढूंढ रहा हूँ। मुझे क्या मालूम था कि तुम उसी सांप को उठाकर ले जाओगे जिसे मैंने मना किया था। कहाँ है वो? ये क्या लेता है? अरे ये नहीं, वो सांप कहाँ है? शुक्र है भगवान का कि अभी इसके दांत नहीं निकले। घबराने की जरूरत नहीं, आराम से सोने दो इसे, सुबह तक ठीक हो जाएगा। अच्छा तो मैं अब जाता हूँ। कान खोल कर सुन लो, अगर मेरा विनोद घर में वापस नहीं लौटा तो मैं सारी दुनिया को पुकार पुकार, तुम्हारी वजह से बिमला ने जान दी है और तुम्हारी वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर गया। पर मेरी बात भी तो सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अच्छा बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। मैंने तमाम अखबारों में विनोद के फोटो भेज दिए हैं और तलाश करने वाले के लिए इनाम भी मुकर्रर कर दिया है। आप अखबारों में फोटो भेज दें चाहे पैसा भेज दें, मुझे मेरा बेटा चाहिए, समझे? समझ गया। अबे सुखिया, ये क्या देख रहे हैं? देखा वो उसी का फोटो है ना, जरूर किसी का खून करके आया है। खून? हाँ। लापता की तलाश, मेरा बेटा विनोद कुमार उम्र 25 साल कई दिन से लापता है। जो शख्स इसका पता देगा या इसे ढूंढकर घर लाएगा उसे आने जाने का किराया और 5,000 रुपए नकद इनाम दिए जाएंगे। 5,000? सुखिया, 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 ए सुखिया, क्या हुआ सुखिया? कुछ नहीं हुआ, 5,000 का नशा है, अभी उतार देता हूँ, तुम देखो तो सही। सुखिया, तेरी बहन की शादी में तुझे कितने 1,000 रुपए चाहिए? बोल, जल्दी बोल सुखिया। मेरी बहन की शादी? हाँ, 2,000 से काम चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा ना, तो 2,000 तेरे लिए। और माँ, एक फर्स्ट क्लास बंगला तुम्हारे लिए, मैं नौकर चाकर आया के। और हिंदू, तुम्हारे लिए एक बढ़िया साड़ी। अगर ये मेरे लिए? तेरे लिए। मेरी छोटी सी बहन मुन्नी के लिए सोने की गुड़िया। और माँ, वो राधा काकी की आंख का ऑपरेशन भी तो कराना होगा, बेचारी कब से अंधी घूमती है। पहले ये तो बताओ ये रुपए आएंगे कहाँ से? ये देखो, ये भाई किसी बड़े घर का लड़का है, घर से भाग कर आया है, तलाश करने वाले को 5,000 रुपया इनाम मिलेगा। रुपयों की बात छोड़ो बेटा, पहले इसके माँ बाप को खबर कर दो, इसके बिना इसकी माँ की न जाने क्या हालत हो। वही तो कर रहा हूँ, तुम जल्दी से 2 रुपए निकालो, मैं भी टेलीग्राम करके आता हूँ। अच्छा निकालो जल्दी, अभी देती हूँ। मैं चला। भाई जरा ठहरो तो, जिंदगी बचाकर मौत के मुंह में डालने से पहले मुझे जरा पूछ तो लो। अरे वाह, आज तो ये होश में बात कर रहे हैं। अब देखिए तबीयत से बेटा। तबीयत तो अच्छी है माता जी। इंदू, जरा जल्दी से दूध और नाश्ता पिला मेरे बेटे की। अब भी लाइना, रात को इसकी हालत देखकर मैं डर गई, अब जान में जान आई। घबराओ नहीं दोस्त, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। सुखिया की बहन की शादी, माँ के लिए नया घर, नौकर चाकर और राधा काकी की आंख का ऑपरेशन जरूर होगा। हम रुपयों के लिए तुम्हें घर भेजना नहीं चाहते बेटा। मुझे सब मालूम है, मैंने सब कुछ सुन लिया। औरत के नशे में जो इंसान राधा काकी की आंख का ऑपरेशन नहीं भूलता, सच में वही असली इंसान है।
आज बहुत दिनों के बाद इस दुनिया में कुछ इंसान मिले। काश कि मैं इंसानों के दरमियान कुछ दिन रह सकता। तुम जब तक चाहो यहाँ रहो बेटा, इस घर को अपने ही घर समझो। ये लो नाश्ता आ गया, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो। अस्सलाम वालेकुम भोला। सलाम सलाम। वाह आज तो खूब मेहमान नवाजी हो रही है। देख बोला आज थारो वैद्य मारो पैसा देने का, आज मारो पैसे दे दे नहीं तो मकान खाने कर दे। कल की कमाई में से तीन बच्चे आने बचे वो तुम ले लो। इससे क्या मैं अपनी अड़की से जाऊंगा? देख रहा है वरी ये लोग क्या पैसा वैसा देंगे, उठाओ नहीं टूटा फूटा सामान। और देख क्या रहा है लाला, जाते चोर की लंगो की सही। लाला तुम चुप रहो बोला, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ लाला। हम इस चार दीवारी में अपनी इज्जत छुपाए बैठे, हमें घर से बेघर मत करो लाला। बोचे हो माँ जी, तुम रोज रोज अपनी आंखों में पानी दिखा के हमको चकमा देते हैं। मैं अपनी झोली पसार कर भीख मांगती हूँ। भीख मांगना है तो जाकर बाजार में मांगो जी। देख रहा है माँ जी, हमारा लाला ने कदम भी आगे बढ़ाया तो वे दादागिरी करते है क्या? दादागिरी नहीं, मैं कानून की बात करता हूँ। पैसे वसूल करना है तो मुकदमा करो। वे पोचिया मुकदमा मुकदमा कुछ नहीं जानता, हम पठान का फरसान थे। माँ का दूध पिया तो लगा किसी चीज पर, पुलिस को बुला के सबको बड़े करके सर करा दूंगा। हम भी आसान से पसंद हो गया। ठीक बोलता है लाला, बगैर डिग्री के हम किसी सामान को हाथ नहीं लगा सकता। बाहर इंसान है, एक बूढ़ी औरत ने झोली पसार कर भीख मांगी, उसका ख्याल नहीं आया, लेकिन कानून का सवाल आता ही कान खड़े हो गए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम गौरव जी, अरे तुम को इतना दर्द है तो तुम चुपता कर दो नहीं। अरे कोचे साईं, ये क्या चुपता करेगा जो दूसरों के टुकड़ों में पलते बेचैन कहीं कर। चलो चल, हेलो हेलो चल। मिस सिंबला, आज से तुम प्रिंसेस इंदिरा कुमारी हो, ये तुम्हारा जॉब है यानी नौकरी। नहीं पीती, ये तुम्हारा जॉब है, ड्रिंक इट। खाने को। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आप हमारी राजकुमारी हैं, इसलिए जब आप खड़े हो जाएंगे तो हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा ये बात है, आपका नेक्स्ट प्रोग्राम। आई एम रियली सॉरी। ड्रेसिंग के बाद राजमाता का दर्शन करना, चलिए। Your Highness, Princess Indra Kumari. कौन? इंदिरा बेटी आओ आओ, देखो उगर पुगर ठाकुर साहब ने अपना फोटो भेजा है, तुम्हें पसंद है ना? ये तुम्हारा जॉब है। क्यों बेटी पसंद है ना? जी माता जी। योर हाइनेस, अब राजकुमारी का एम हो गया है। हाँ हाँ अब तुम जाओ बेटी। देख लिया ना दीवान साहब, इंदिरा ने हाँ कह दी है, अब उगरपुर के ठाकुर साहब को तार कर दीजिए कि वो फौरन चले आए। जरूर प्रिंस नरेंद्र सिंह जी आ गए। नरेंद्र सिंह आ गए? यस सर। प्रिंस नरेंद्र आ रहा है, तुम फौरन राजकुमारी को बैक डोर से ले जाओ घुमाने के लिए। ओके सर। दीवान चाचा ने क्या कहा? तुम्हारा घूमने का टाइम हो गया है इस वक्त, ये तुम्हारा जॉब है। अच्छा चलिए। दीवान साहब फरमाइए, इंदिरा जी कहाँ गई? मथान गई थी। नामुमकिन। नामुमकिन? अब बिल्कुल नामुमकिन, वो हमसे कहे बगैर जा ही नहीं सकती और जा भी सकती है। बात यह है कि जब से आप लोगों ने उनकी शादी उगरपुर के ठाकुर साहब से तय की है, वो कुछ अफसर से जरूर रहती हैं। अच्छा एक बात बताइए दीवान साहब, ये उगरपुर के ठाकुर साहब जो हैं वो हमसे किस बात में बड़े हैं?
सूरत शक्ल में, तालीम में, दौलत में, खानदान में, मगर एक बात न जरूर बढ़े, उम्र में। कौन नरेंद्र बेटा है क्या? माता जी प्रणाम। माता जी कैसी तबीयत है आपकी? आप तो ठीक हो बेटा, मेरी तो बीमारी इंदिरा बेटी की आते ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मगर हुजूर आपने ये क्या गलत किया, आपकी तबीयत ना खारिज तशरीफ ले आई, डॉक्टर ने तो आपको बिल्कुल अमानत कर दी, तशरीफ चली गई वापस। तो आप ये अपना 5 लाख का बीमा मिस्टर भोला के नाम असाइन करना चाहते? जी हाँ। ये मिस्टर भोला कौन है आप? मेरे एक अजीज दोस्त। मिस्टर शर्मा। यस सर। आपको ब्रांच मैनेजर के पास ले जाएंगे। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। बिमला, किसे बुला रहे हो? वो जो अभी शादी में गई है। वो ठिकाने हैं तुम्हारे? वो शंकरगढ़ स्टेट की राजकुमारी थी। राजकुमारी? हाँ हाँ, जाओ चलते फिरते नजर आओ, जाओ। दीवान चाचा, दीवान चाचा गजब हो गया, उन्होंने मुझे देख लिया। किसने देख लिया बेटे? विनोद ने। वो यहाँ कैसे आ पहुंचा? वो तो मालूम नहीं चाचा, वो तो अच्छा हुआ कि बुढ़े ने उन्हें रोक लिया। अगर मेरा उनका सामना हो जाता, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है बेटी ये बूढ़ा चाचा तुम दोनों की मोहब्बत में हायल हो रहा? नहीं चाचा जी, नहीं, तकदीर के सिवा और कोई हमारी मोहब्बत में हायल नहीं हुआ। मैं खुद उन्हें छोड़कर आई हूँ। तो फिर चिंता क्यों करती है मेरी बच्ची? अपने बस में कुछ नहीं होता, दुनिया की इस शतरंज में हम तो सिर्फ मोहरे हैं, चाल भी उसी के हाथ में है और बाजी भी। हाँ दीवान चाचा, हम तो सिर्फ मोहरे हैं, चाल भी उसी के हाथ और बाजी की। ये बात है भाई, मैं तो कहता हूँ 100 बात की एक बात है। विनोद है अमीर घराने का लड़का और बिमला थी बेचारी गरीब। माँ बाप ने गड़बड़ की, लड़की अपनी जान पर खेल गई और ये भाई मजनू हो गए। बोला मैंने अभी बिमला को देखा है ना, वही बात। मुझसे बचकर एक बहुत बड़े महल में चली गई,
जब मैं अंदर जाने लगा तो गुरखा ने रोक लिया। कहने लगा ये शंकरगढ़ की राजकुमारी है। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? तुम तो ऐसे चौकी के जैसे शंकरगढ़ की राजकुमारी तुम ही हो। नहीं, मैं वो शंकरगढ़ की रहने वाली हूँ ना, अपनी राजकुमारी को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम पहचानती हो? हाँ। तो आओ चले, अभी मालूम हो जाएगा कि वो राजकुमारी है या मेरी बिमला। अरे महल में पहुंचना कोई बच्चों का खेल है? अपने लिए तो खेल ही है, दिन बजाते पहुंच जाएंगे। हाँ, सिर्फ मुझे भेद बदलना पड़ेगा। क्यों बोला? बात तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो खोपड़ी के ऊपर जूते पड़े। चलो चलो। ऐसा? राजकुमारी जी, चंपा किनको ले आ रही है? राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, सास का तमाशा। शुरू करो जोगी जी। दर्शन दो नागराज और सिद्ध करो सब काज। बजा बच्चा। बिमला, मैं विनोद हूँ, तुम्हारा विनोद। तुम बोलती क्यों नहीं बिमला? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे ये क्या, चलता ये क्या बदतमीजी है? रामकली गोरखे को बुलाओ। मुझे कोई गाली की बात नहीं, हमें माफ करिए, माफ करिए। राजकुमारी ने माफ कर दिया, ऐसा फिर कभी मत आना यहाँ। आप कौन होता है? अब चल सिखवाएगा क्या नालायक कोई का? अब चल चल। वैसे आपका ख्याल दुरुस्त निकला प्रिंस। राजकुमारी इंदिरा न शंकरगढ़ पैलेस पहुंची और न पुलिस स्टेशन और न यहाँ पहुंची। और ये भी तो पता नहीं चला कि वो डॉक्टर कौन था जो सबकी आंखों में धूल झोंक के राजकुमारी इंदिरा को उड़ा कर ले गया। मिस्टर जॉन, वो डॉक्टर नहीं था बल्कि वो कोई बहुत बड़ा बदमाश था। सर जाने दीजिए। हैव इट बॉय, कम ऑन। देखो जवानों, ये चाकू जो ठीक निशाने पर मारेगा उसको ये हीरे के अंगूठी नाम में दूंगा। है ठीक है, स्टार्ट। जय भवानी, जय भवानी, जय जगदम्बे। वेल देन, शाबाश, मैदान औरत ही के हाथ रहा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। एक मामूली सा निशाना लगाने का इनाम एक हीरे की अंगूठी, और अगर राजकुमारी इंदिरा का कोई सुराग लगा ले तो 10,000 रुपया नक देना। देखते क्या हो, मैदान हमेशा औरत के हाथ होगा। हाँ साहब, क्यों नहीं होगा, 20वीं सदी है। ठीक है। जिससे वो दीवान हुआ, जिसको ये रोग लगा वो कभी अच्छा न हुआ। आ गया तेरी तबाही का जमाना बेटा, छोड़ दे अब दिल का लगाना बेटा। ऐ इश्क इसे बर्बाद न कर, ऐ इश्क इसे बर्बाद न कर, इस मूर्ख को फरहाद न कर, ऐ इश्क इसे बर्बाद न कर। कासे को तोड़ न देना, कासे को तोड़ न देना तुझे मजनू की कसम। इसे शीरी से मोहब्बत मुझे लैला का है गम। क्या? कासे को तोड़ न देना तुझे मजनू की कसम, इसे शीरी से मोहब्बत मुझे लैला का है गम। हाय हाय, ऐ मेरी जान जिगर,
है मेरी जान जिगर, देख तो ले एक नजर, बुरी हालत है इधर, बुरी हालत है इधर, बुरी हालत है इधर, जलने लगा मेरा जिगर। मुझे इस बात को बताओ मेरे क्यों पीछे पड़ा, मैं हूँ दीवाना तेरा, बात आगे न बढ़ा, मेरा कहा मुझको सूली न चढ़ा, है मान ले मेरा कहा मुझको सूली न चढ़ा। मुफ्त में जान न ले, मुफ्त में जान न ले, मुफ्त में जान न ले, अपनी निगाहों की कसम। ये माँ का एक ही बेटा है, हाय इस मूर्ख को फरहाद न कर, ऐ इश्क इसे बर्बाद न कर, इस मूर्ख को फरहाद न कर, ऐ इश्क इसे बर्बाद न कर। जाओगे पछताओगे बेटा, वहाँ पत्थर भी पड़ेंगे भैया, जूते भी पड़ेंगे। उल्लू की तरह रात को फरियाद करोगे भैया, उल्लू की तरह रात को फरियाद करोगे, बेमौत मरोगे भैया अगर इश्क करोगे। ए सुन मेरे भाई, सुन मेरे भाई, नहीं है ये तरीके अच्छे, इश्क वो खेल नहीं है जिसे खेलें बच्चे। अच्छा जी, हाय भैया रोमियो की कसम, भाभी चली है की कसम, भैया रोमियो की कसम, वो भाभी चली है की कसम, तुझे कंगी तुझे कैंची तुझे रेजर की कसम, मजनू अंचल की कसम, अंकिल लैला की कसम, मजनू अंचल की कसम, ओ अंकिल लैला की कसम, तुझे सुखिया की कसम, तुझे भोला की कसम, मेरी आंखों की कसम, तुझे सिस्टर तुझे मादर तुझे फादर की कसम। ये अपने बाप का बेटा है, हाय मजनू की इसे औलाद न कर, हाय मजनू की इसे औलाद न कर, इसे मूर्ख को बर्बाद न कर, हाय इसे बर्बाद न कर। खबरदार भाई जो जरा बच के। इंदू इधर आओ, बोला बाहर निकलो। क्या हुलिया बना रखा है, घर के सारे बर्तन तो डाले, क्यों कर रहे थे तुम लोग? करना क्या है माँ, मुझे परेशान कर रहे थे। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को, क्यों परेशान कर रहे थे बेचारे को? परेशान नहीं माता जी, हम तो इनका दिल बना रहे थे, पूछ लो बड़े भैया से। माँ तुम अपने इस बेचारे के करतूत सुनो तब मालूम हो, आज इसने वो जूते पड़वाए होते, वो जूते पड़वाए होते, फिर मेरे वस्त्रे की जरूरत नहीं पड़ती। तू चुप रहे। क्यों ऐसी क्या बात हुई थी? भाई ने शंकरगढ़ की राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया अपने बिमला समझकर। मैं अब भी कहता हूँ वो बिमला थी। सुन लिया, मैं झूठ कहता था। माँ तुझे मेरी बात का भी यकीन नहीं आता, दुनिया की सारी नजरें बिमला को पहचानने में धोखा खा सकती है, मगर मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती माँ। हाँ बेटा वो बिमला ही होगी। इंदू चलो खाना पकाओ, भोला चल पानी भर के लाओ। सुखिया खाम खा मेरे बेटे को परेशान कर रही। ये मिलाप की घड़ियां छोटी क्यों होती है? जब दो प्रेमी मिलते हैं तो वक्त इंतजार क्यों नहीं करता? चांद सूरज और तारे रुक क्यों नहीं जाते? राजकुमारी जी रात बहुत बीत चुकी है, अब आप सो जाइए। हाँ आराम करिए, अब मुझे सो जाना चाहिए। जिंदगी की वो हसरतें
जो आज तक पूरी न हुई शायद ख्वाब में पूरी होगी। मुझे मालूम था कि तुम ही मेरी बिमला हो। अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। नहीं, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। बिमला, ये तुम कह रही हो? तुम बहुत अमीर थे ना, और मैं गरीब। लेकिन आज पासा पलट गया है मिस्टर विनोद। आज तुम मेरे सामने एक मामूली इंसान हो और मैं एक बहुत बड़ी स्टेट की होने वाली मलका। बिमला, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी कुछ सुनो तो। अपनी औकात समझो, दूर से बात करो। मैं राजकुमारी हूँ। कौन हो तुम? जाने कौन है, इन्हें बाहर निकालो। चलो। देखिए इस कमीने वजीर की चाल। हेलन, तुम इस नकली राजकुमारी की असलियत मालूम करने के लिए इस नौजवान का पीछा करो और उसका पता तुरंत पता करो। मैं जरा दीवान साहब से निपट लूं। हूं, ओके प्रिंस। राइट। वजीर से क्या मतलब है तुम्हारा? आप शह बचाइए दीवान साहब। ये शतरंज का खेल है, यहां मोरे नहीं बदले। मैंने कोई मोरे नहीं बदले। तुम्हारा मतलब क्या है इससे? यही एक ऐप हमारे अंदर है कि जो कुछ हम कहना चाहते हैं खुल्लम खुल्ला नहीं कहते। अच्छा, जरा राजमाता से मिलाओ। इंदिरा, वो यहाँ का? अरे हाँ, वो तो माथेरान गई है। देखो राजकुमारी इंदिरा से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी, सो गए हैं क्या? जी। इट्स ऑल राइट, यू कैन गो। आदावर से। नूर भैया, कहाँ रहे इतनी देर तक? हैं? कहाँ रहे इतनी देर तक? कहीं नहीं। आओ ना। मेरा इनाम जी हाँ, जिस शख्स का पीछा करने के लिए आपने मुझे हुक्म दिया था, हाँ? वो पुरानी बस्ती के आखिरी कोने में एक भोला नामी गरीब सपेरे के घर रहता है। हाँ? और वो आपकी राजकुमारी भी वही रहती है। राजकुमारी भी वही रहती है? शाबाश हेलन। तुमने सही कहा था, मैदान औरत ही के हाथ रहा। ये तुम्हारा इनाम है। थैंक यू प्रिंस। Thank you.
फिर मिलूंगा। से कट गया? एक बहुत बड़े रईस का लड़का था। क्या बताऊं साहब, मैं तो चोर समझकर उसके पीछे दौड़ रहा था, वो भाग के कुछ इसी तरह रहा था, बस यूं ही यार्ड में पहुंचा, गाड़ी आ गई और वो कट गया। क्या ख्याल है? खुदकुशी। मिस्टर कुलकर्णी, आप विनोद के फादर को टेलीग्राम कर दें कि वो जल्दी यहाँ तशरीफ लाए, और इस भोला की भी इंक्वायरी कर लीजिए कि ये कौन जाते शरीफ है जिनके नाम विनोद ने 5 लाख रुपए का बीमा असाइन किया। बहुत अच्छा। बहुत जरूरी है रामखली, आंसुओं से हल्का हो जाता है, वरना सदमे की हालत जान के लिए बहुत खतरनाक है। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूं। नहीं 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 प्रिंस, दरअसल बात यह है कि वो जो भोला है ना, वो भी है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, और राजकुमारी जो उसके घर में है वो महज इत्तेफाक है। हाँ प्रिंस, मिस्टर जॉन ठीक कहते हैं। मिस्टर ठीक कह रहे हैं, उस करोड़पति सेठ का लड़का विनोद जो भोला के घर रहता था, महज इत्तेफाक है, और उसने अपनी 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस भोला के नाम कर दी और खुद ट्रेन के नीचे कट गया, ये भी महज इत्तेफाक है। मिस्टर जॉन, ये भोला अव्वल दर्जे का बदमाश है और तरह तरह के भेस बदल के अपना उल्लू सीधा कर रहा है। देखो ना मिस्टर जॉन, डॉक्टर बनकर राजकुमारी को यहाँ से उड़ा ले गया और फिर सपेरा बन के बीन बजाने लगा। कह दो कह दो, ये भी महज इत्तेफाक है। छतर सिंह। यस प्रिंस। देखो तुम राजकुमारी को तो लाओगे ही, लेकिन साथ में उस भोला को जरूर लाना, हम देखना चाहते हैं। यानी भोला कहीं राजकुमारी ज्यादा खूबसूरत ना हो मेरे दोस्त, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सका, माताजी से कहना मुझे माफ कर दे तुम्हारा विनोद। तू दिन रात उससे मजाक करता रहता था, इसीलिए वो चला गया, न जाने वो बेचारा कहाँ भटक रहा हो। माँ तुम तो जानती हो कि उसका स्क्रू लूज है, कहीं जाओ आ जाएगा। चल उठा सामान, चल चल चल। बोला विनोद मिल जाए तो उसे साथ ले जाना। अच्छी बात है, तू फिक्र क्यों करती है माँ, ले आऊंगा। अच्छा रख ले। जयराम जी। राम राम भैया। बात ये है, आज हमारे शेर साहब की लड़की नाग दर्शन करके भोजन करेंगी, इसलिए हमें किसी जोगी की तलाश है। तो हम लोग हैं ना। बहुत अच्छा, मुंह मांगा इनाम मिलेगा, बैठो फिर। चलो 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 चलो। 10,000 50 पहुंच जाए तो। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो। जा रही है।
शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हेलन। यस प्रिंस। तुम पुलिस स्टेशन जाके ये रिपोर्ट लिखा दो कि हमारी मोटर कलरा से गायब हो गई। जोरावर सिंह। यस प्रिंस। इन दोनों बहादुरों को अंदर ले जाके जरा इनाम दो। ले जाओ ना। इधर आओ। देखो तुम लोग दोनों भोला के घर पे निगाह रखना, वो अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन से जरूर मिलने आएगा। कुछ फायदा नहीं प्रिंस, मैदान आखिर औरत के हाथ रहेगा। नहीं हेलन, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम हमारी रिजर्व फोर्स हो और पहले जरा इन मर्दों की मूछों का पानी आजमा लेने दो। हैं? जाओ। जैसे आपकी मर्जी। राइट। अच्छी ब्यूटीफुल। ओफो, थक गए क्या? तुम तो ऐसे नखरे कर रही हो जैसे कभी पैदल चली ही नहीं, हमेशा मोटरों में घूमी हो। नहीं अच्छा खैर, ये तो बताओ इंदू कि ये सब मामला क्या है, ये लोग क्यों तुम्हारे पीछे पड़े? मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसका तो सीधा इलाज, तुम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखा दो और उन सबको पकड़वा दो। ये भी मजबूरी, मैं पुलिस के पास नहीं जा। और वो क्या मजबूरी है तुम बता नहीं सकती। अजीब बात है इंदू, तुम इतने दिन से मेरे साथ रहती हो, ना तो तुमने अपने बारे में कुछ बताया और ना उन गुंडों के बारे में। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि वो ठहरे मोटर गाड़ी वाले और अपन कड़के भाई कोई झंझट में ना फंस जाए। हाँ बोला, मेरे आने से तुम खाम खाम मुसीबत में फंसते जा रहे हो ना। मैं अरे ये मतलब नहीं है मेरा, तुम समझी नहीं, मैं तो तुम्हें जिंदगी भर साथ रख सकता हूँ, क्या समझी? तो फिर ऐसी बातें मत पूछा करो बोला। अच्छी बात है, अपने को तो साथी का साथ निभाना है। आओ चले। माँ आ जाएगा, कहीं बिमला की तलाश में घूम रहा होगा इधर उधर। और क्या है, बस आज रात को 2 बजे इसी खिड़की के रास्ते। आज तो पुलिस वाले आए थे, तुझे पूछ रहे थे। पुलिस वाले? मुझे क्यों पूछ रहे थे? कौन जाने बेटा, मैं तो पहले ही डरती थी कि हम लोग गरीब आदमी हैं, किसी झंझट में ना फंस जाए। तू क्यों फिक्र करती है माँ, ऊपर वाले पे भरोसा रख। इल्ला ये गरम रोटी मुझे। बोला ओ बोला, अब या आता हूँ। क्या बात है? अब इस चिड़िया को यहाँ से उड़ा दो, जब से ये आई है दो आदमी हमेशा तुम्हारे घर पे नजर रखते हैं और आज रात को तुम्हारे घर पे कुछ गड़बड़ होने वाली है खिड़की के रास्ते से। आज रात को? अरे भगवान कसम मैंने अपने कान से सुना है। तू एक काम कर, तेरा उस्तरा लेकर आ जा। उस्तरा? वो किस लिए? जिंदगी और मौत का सवाल है सुखिया, तू लेकर तो जरा धार करके लाना। हाँ ये अपने से नहीं होगा। तू जा मैं कहता हूँ। बाप रे कमाल की ठंडी हवा चल रही है, आखिर तेरा आवाज है क्या? इधर लड़की निकाल दी, उधर खिड़की खोल दी, खुद भी मरेगा मुझे भी मरवाएगा। अबे बकरा सामने नहीं होगा तो शिकार फंसेगा कैसे, उस तरह की धार तो दे देना। बाप रे क्या मेरा ऐसे खून करवा ला? मैं तो अबे खैर जाता कहा, यही दोस्ती का तुम बता था। अरे दोस्ती देखना है तो सामने से मुकाबला करवा, तू तो कुत्ते की मौत मरवा देगा भाई। अरे सुखिया अपनी दाढ़ियों का क्या हिसाब है? 400 रुपये पूरा 18 है। Thank you.
तैयार है ना? तैयार बल्ली पकड़, मैं देखता हूँ। छोड़ टाकू, कौन है आप? बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, क्या गुच्छेदार मूछ है। तो क्या मालिक? तो ग्राहक मजबूत हो गए, मुंह डाला दिया दी। साबुन छोड़ सुखी। ये बात तुम्हें पहचान क्यों नहीं? तो नहीं। कितना पैसा वसूल क्या करे? पहले के नौ और अभी के दो आधी। दस यानी के सवा रुपया। ये सवा रुपया चार आने चा पानी के और ये चार आने उस परे को धार करने के। सुनो, आज तो मैं तुमको छोड़ देता हूँ, आइंदा कभी इस घर में आए तो जान से मार डालूंगा। उठा दे बल्ली। हाँ, आज तो सिर्फ काल को उतरा चढ़ाया, फिराओगे तो गर्दन बचा दूंगा। समझ गया ना, जान दो रिवर्स में। क्या बात है, ये दो चाकू और ये मुनाफे में माल। शाबाश, वाह 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 वाह, जवाब नहीं है तुम्हारा। देख लिया इन मर्दों की मूछों का पानी? देख लिया, आधा पानी उसने उतार दिया है, आधा मैं उतारे देता हूँ। प्रिंस, ये 12वीं सदी नहीं है, 20वीं सदी है। ऐसे काम इतनी आसानी से नहीं होते। क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपको राजकुमारी चाहिए ना, मैं आपको राजकुमारी ला दूंगा। ए, तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो? गिराओ 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 वो लुके पट्टे। नहीं तो प्रिंस, दरअसल बात यह है कि इस काम के लिए सबसे मौजूद आदमी मैं हूं। अब आप पूछिए कि क्यों वो इस तरह से के राजकुमारी तो मुझे पहचानती नहीं। भोला मुझे पहचानता, मगर वो ये नहीं जानता कि मैं आपका आदमी हूँ। ओके जान, जरा अपनी मूछें बचा कर जाना। हाँ, इसीलिए तो मूछें हैं नहीं। क्या बात है भोला, बोलता क्यों नहीं? क्या लिखा चिट्ठी? इंश्योरेंस कंपनी की चिट्ठी है माँ, विनोद का एक्सीडेंट हो गया। क्या कह रहा है तू? मेरा विनोद अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैं पहले ही डरती थी। और उसने अपने बीमे की रकम 5 लाख रुपए हमारे नाम कर रखी थी। आग लगे 5 लाख। अस्सलाम वालेकुम भोला। सलाम। कोची हम डिग्री लेके आया, बोलो आप क्या बोलती? बैरल को लेके आया है। हाँ। लाला, आज हमारे घर मातम है, ये देखो। अरे भाई, तुम्हारे घर में तो कुछ तो है, यहाँ तो आत्म आत्म भी नहीं सही देख रहा। बोला। ओ बोला जॉन, तुम यहाँ कैसे? अरे यार, मेरा इस घर में आना जाना भी मना है क्या? माता जी, ये लीजिए जेवर। बेटा, ये तेरे लिए ट्रॉफी लाया। लेकिन जॉन, ये जेवर छुड़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अरे तो तुमसे पैसे मांग कौन रहा है? अगर 150 की जरूरत हो तो और ले लो। लेकिन ये लोग कौन है? हम पटान का फर्जंद है कि हम डिग्री लेकर आए हैं। हम बल्ब को लेके आया। इन्हें जरा समझाओ बेटा, ये लोग डिग्री लेकर आए, हमारा विनोद हमें हमेशा के लिए छोड़कर चल दिया। ये देखो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये शर्म आनी चाहिए। घर में मौत हुई है और तुम लोगों को अपने पैसे की पड़ी है। मालूम होता है दुनिया से इंसानियत उठ गई है, इन लोगों का खून सफेद हो गया है। ओ गॉड, देख रहा है? हाँ हाँ, सब देख रहा है। मैं पूछता हूँ तुम लोगों का निकलता कितना है, मुझे बताओ। चलो बाहर चलो, मुझे बताओ। चलिए, देखिए हम देख लेगा। ठीक है, मगर एक मिनट बाद भी तो सुनो मेरी। तुम लोग बेवकूफ मत बनो। भोला को बीमे में 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। 5 लाख? ये देखो, ये दिखाओ बैठा में, ये दिख रहा है? पढ़ो। देख लिया ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पैसा लेने का वक्त नहीं है, पैसा लगाने का वक्त है। एक लगाओ और चार चार वसूल करो। अरे वो कैसे मिलेगा? अरे भाई, इस तरह से मिलेगा कि अभी उसको बीमा का पैसा मिलने में कुछ दिन लगेंगे, तब तक उसको सब्ज भाग दिखाओ और एक के बदले चार चार लिखते जाओ। देख रहा है? बेटा तो छप्पर भाग के देता है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, मेरा मतलब यह है कि अलग अलग नहीं, सब मिलकर सिंडिकेट बनाओ। सिंडिकेट? सिंडिकेट? हाँ, बोलो। मंजूर है तुम्हें? तो मंजूर है सेठ जी, मंजूर है, मंजूर। हाँ, और लाला? ओए, कुछ मंजूर है, लाले की जान मंजूर है। बस तो चलो, चलिए। देख रहा है? चलो। कुछ हो भोला, रुपया पैसा तू हाथ की ले, तुम जितना मांगेगा हम देगा।
हम पठान का पसंद है लाले की जान। माता जी हमारा कांकड़ा से माफ करना, हम तो तुम सबका दाह के भोलानाथ जी। भोलानाथ जी, भोलानाथ जी देख रहा है। राजकुमार जी उपमा तो वापस चले, वापस चले या और घूमने का इरादा है? रामकली तुमने कुछ सुना क्या? वो तुमने कुछ सुना? कोई नहीं है, कहाँ है वो, आप किसे ढूंढ रही हैं? मैडम अब इन्हें ले चलो, इनकी तबीयत खराब है। कौन है, दिन भर यूं ही घूमता रहता है, सबसे अलग थलग जैसे सारी दुनिया उससे रूट गई है। कब देखा था उनको? अभी कल ही तो देखा था बिटिया। हाँ हाँ सुना तुमने, बिना जिंदा है। चलिए राजकुमारी मैं सच कहती हूँ, बिना जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। राजकुमारी दीवान चाचा, दीवान चाचा वो जिंदा है, वो जिंदा है, दीवान चाचा वो जिंदा है। सच्ची दीवान चाचा वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। सच्ची दीवान चाचा वो जिंदा है। राजकुमार जी रो रही है दीवान साहब, मेरी आंखों में आंसू है दीवान साहब। आंसू? अब कोई चिंता नहीं रामकली, अब कोई फिक्र नहीं। गवर्नेस जा बेटी, आराम कर। मिस्टर जॉन अब और कितने दिन लगेंगे? उगरपुर के ठाकुर साहब दो एक दिन यहाँ आने वाले हैं, और जब तक इंद्रा अपने कब्जे में होनी चाहिए। दरअसल बात यह है कि पुरानी बस्ती से उड़ा के लाना जरा मुश्किल था, इसलिए नए बंगले में ले आया हूँ। वहां है आज पार्टी, बॉय बटलर बावर्ची सब अपने आदमी हैं। उधर शरबत में भंग और राजकुमारी यहाँ, इस तरह से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दैट्स नाइस मिस्टर जॉन, मैं गाड़ी लेकर नीचे खड़ा रहूंगा। बस तो आप फिक्र मत कीजिए, अदर फैक्ट्री राइट। कौन है मिस्टर भोला? आप ये तो बताइए कि ये 5 लाख रुपए आप किस काम में लाएंगे, आई मीन कैसे खर्च करेंगे? कहाँ के रुपए, कब आए और कब गए, ये तो आने से पहले ही खर्चा हो रहे हैं। क्यों सेठ जी? देख रहा है। अरे पता पूछ रही है लिद्दो। Thank you.
पता नोट करो, वो पता नोट करो हमारा, वो पता नोट करो हमारा, हमसे आ मिलना दोबारा। प्रेम नगर में प्रेम सड़क के सबसे ऊंचे माले पर है गोली नंबर 11, पता नोट करो, वो पता नोट करो हमारा, हमसे आ मिलना दोबारा। प्रेम नगर में प्रेम सड़क के सबसे ऊंचे माले पर है गोली नंबर 11, पता नोट करो। नगर की बरिया अपना अजली रूप छुपाए, जो आने का पाउडर मुंह पे मारे और मुस्काए। प्रेम नगर की परिया अपना असली रूप छुपाए, जो आने का पाउडर मुंह पे मारे और मुस्काए। जो देखे इनको वो फटका खा जाए बेचारा। ओ मैम सफर पत्ता नोट करो, ओ पत्ता नोट करो हमारा, हमसे आ मिलना दोबारा। प्रेम नगर में प्रेम सड़क के सबसे ऊंचे माले पर है कमरा नंबर 11, पत्ता नोट करो। कमजोर दुखाए प्रेम नगर की भूज, सेहत बिगड़े सूरत बिगड़े बिगड़े उसका मूज। हो जाए कमजोर दुखाए प्रेम नगर की भूज, सेहत बिगड़े सूरत बिगड़े बिगड़े उसका मूज। नकली घी खा खा के रोए हर प्रेमी बेचारा। ओ भाई साहब अरे पत्ता नोट करो, वो पत्ता नोट करो हमारा, हमसे आ मिलना दोबारा। प्रेम नगर में प्रेम सड़क के सबसे ऊंचे माले पर है गोली नंबर 11, पत्ता नोट करो। में फैली है एक बहुत बड़ी बीमारी, क्या मैं उसका नाम बताऊं, नाम उसका बेगारी। प्रेम नगर में फैली है एक बहुत बड़ी बीमारी, क्या मैं उसका नाम बताऊं, नाम उसका बेगारी। आओ यारो घूम मरे हम पड़ा समुंदर सारा। ओ भाई साहब अरे पत्ता नोट करो भाई, पत्ता नोट करो हमारा, हमसे आ मिलना दोबारा। प्रेम नगर में प्रेम सड़क के सबसे ऊंचे माले पर है गोली नंबर 11, पत्ता नोट करो। अच्छा काम करो। बोला बाबू आजकल किंग्स कॉलोनी बंगला नंबर 11 में रहते हैं। बंगला नंबर 11? अच्छा भोला और सुखिया का ग्लास ले आओ और साथ में चार और सादे ग्लास ले आओ। हाँ ठीक है ना, समझ गए। विनोद ये जिंदा है? हाँ साहब, तो ये आपका और ये आपका और ये मेरा, आप लोग भी लीजिए। मेरा ख्याल है कि मिस्टर भोला का जाम है सेहत। जरा ठहरा, मैं इंदू बहन को बुला के लाता हूँ। अरे वो नहीं आएगी। अरे आएगी कैसे नहीं। भाई मेरा ख्याल है मेरा जामे सेहत पीने की बजाय जिस विनोद की मेहरबानी की बदौलत ये दिन देखना नसीब हुआ है उसी की आत्मा को शांति मिले और उसकी रूह। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? ये क्या कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा। भाइयों तुम लोगों को कुछ दिख रहा है? तुम लोगों को भी कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं, हैरान क्यों है? मैं विनोद हूँ। विनोद सुना तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। भाइयों तुम लोगों ने कुछ सुना? नहीं नहीं हुए। नहीं 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 सुना। जरूर विनोद की रूह है। नहीं 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 मेरी तरफ मत आ, तुम्हारा रुपया तुम्हारी अमानत अभी तक नहीं मिली है। इन लोगों का रुपया है, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। आखिर ये सब मजा क्या? कोई बात नहीं है, अभी मालूम हो जाता है। वही कुछ अब हमारा रुपये का क्या होगा, ये नामुराद तो जिंदे है। अब तुम इसे मरा हुआ ही समझो। कम ऑन
को। असली माता जी इनको विनोद की रूख है। भगवान बोला 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 बोला। इंदिरा कहाँ है? वो मैं आपको फिर बताऊंगा प्लीज। पुलिस ये पुलिस क्यों आ रही है? मालूम होता है ये इसी की शरारत है। तुम्हें जल्दी से ना बैठ कमा लेट्स गो। होशियार रहना। स्टार्ट करो। चलो मिस्टर अंदर। नहीं चाहिए बंगला मोर्टर धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। लौटा दो सब लौटा दो। हम सब लौटा देंगे। मैंने तो पहले ही कहा था। माता जी पुलिस बाय। पुलिस क्यों? मिस्टर भोला कौन है? भोला साहब क्या आप हमें बता सकते हैं कि मिस्टर विनोद कहाँ है? विनोद वो तो परलोक में है। आपको मालूम होना चाहिए विनोद जिंदा है और उस दिन एक्सीडेंट से मरने वाला आदमी विनोद नहीं था। ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? अगर विनोद मरा नहीं है तो फिर उसकी रूह यहाँ कैसे आ गई? रूह आ गई थी। हाँ। आप बराए मेहरबानी हमारे साथ पुलिस स्टेशन। मेरा भोला बिल्कुल बेकसूर है। आप बेफिक्र रहिए माँ जी, हम इन्हें सिर्फ तफ्तीश के लिए ले जा रहे हैं। चलिए सर। इंस्पेक्टर साहब मैं सच कहता हूँ आपसे कि विनोद की रूह यहाँ आई थी और वो दूसरी मरतबा जब कभी यहाँ आएगी ना तो मैं उससे पूरा आपको बताऊंगा। चलिए आई थी विनोद की तलाश आज मिल गई। अच्छा ही हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई और तुमने सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो यही सोच रही थी कि दीवान चाचा ही मेरी शादी उगरपुर के ठाकुर से करवाना चाहते थे। यही तो अफसोस है दीवान चाचा को, जिसे वो अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे उसी ने अपने दुख की बात उनसे न कही। मेरी अकल पर इतने पत्थर पड़े थे कि अपने दीवान चाचा को गलत समझ बैठे, अपनी बीमार माँ को भूल गई। नरेंद्र ने मुझे ऐसे बताया कि अपने पराए में तमीज भी न कर सके। आप माता जी की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वो तो यही समझती है मैं ही उनकी इंद्रा हूँ, लेकिन दीवान चाचा की परेशानी देखनी चाहिए। और आजकल मैं उगतपुर के ठाकुर साहब आपको देखने के लिए आने वाली हूँ। दिन यही चिंता खाए जा रही है ऐसे बच्चे की, काश मैं अभी तुम्हारे साथ चलूँ। आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, अब मेरी भी समझ में आ रहा है कि वो रू नहीं थी खुद विनोद था। देखिए मिस्टर भोला, पहले विनोद के बीमे की पॉलिसी आपके नाम असाइन हुई, फिर एक गलत आदमी का एक्सीडेंट हुआ, फिर रकम मिलने से पहले ही आपके ठाट बात शुरू हो गए। क्या इन सब बातों से ये साबित नहीं होता कि विनोद को गायब करने में आपका हाथ है? जी लेकिन आप तो... आपके बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, आप विनोद को फौरन पेश कर दें, वरना अगर उसे कुछ भी हो गया तो आपके ऊपर सब इल्जाम आएगा। आप समझ गए? अच्छी बात, जा सकते हैं आप। अरे माँ तुम तुम्हें छोड़ दिया बेटा। हाँ। मैं पहले ही जानती थी सात को आँच नहीं। आओ घर को चलो। चलो बोला क्या बात है? मैं कुछ नहीं माता जी। क्या बात है? अरे बात कुछ नहीं है, एक आदमी चिट्ठी दे गया तुम्हारे लिए, बहुत भयानक आदमी था। जोर से पढ़ना। मिस्टर भोला, तुम्हारा दोस्त विनोद हमारे कब्जे में है, अगर उसे वापस चाहते हो तो इंदू को हमारे पास पहुंचा दो। आज रात के 12 बजे ग्रैंड बाजार की मोड़ पर हमारी गाड़ी इंदू का इंतजार करेगी। अगर इंदू वक्त पर नहीं पहुंचेगी या तुम पुलिस को खबर करने की कोशिश करोगे तो विनोद को खत्म कर दिया जाएगा और खून का जुर्म तुम पर आयद होगा क्योंकि उसका बीमा तुम्हारे नाम है। बस मैंने तो पहले ही कहा था कि इस चिड़िया को यहाँ से उड़ा दो, वरना ये सबको ऐसा उड़ाएगी कि किसी का पता भी नहीं चलेगा। तू आज रात को 11 बजे मिल। 11 बजे बुलन तो ठीक है ना? अबे यही दोस्ती का दम भरता है, घबरा क्या, तलाक मिला। मैं हाजिर हूँ। मैं जानता था मिस्टर जॉन विनोद को छोड़ दो। बहुत अच्छा प्रिंस,
खिड़की में सलाखें नहीं लगी अब तक? अब इसकी जरूरत ही नहीं रही। तुम ठीक कहते हो, जिस पंछी के पर काट डाले गए हैं उसे पिंजरे की क्या जरूरत। इंसान सबसे लड़ सकता है लेकिन प्रकृति से नहीं। सुना था कि औरत के सिर्फ एक ही दिल होता है, मोहब्बत की दुनिया में जिस तरफ एक बार कदम उठ जाता है फिर वापस नहीं लौटता। लेकिन तुम्हारे बारे में? छोड़ो नरेंद्र, प्यार मोहब्बत की बातें हम लोगों के लिए नहीं। हमारी डिक्शनरी में शादी का मतलब है व्यापार। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? मैं तैयार हूँ। इसके अलावा ना तुम्हें कुछ चाहिए और ना कुछ मेरे पास है। तुम मुझे गलत समझ रही हो इंद्रा। खैर, एक वक्त आएगा जब तुम महसूस करोगी कि जो फैसला तुमने आज किया है वही फैसला सही था। नरेंद्र, ताला लगाते जाना। नरेंद्र जब भरोसा करता है करता है। मिस्टर जॉन, मैं उगरपुर के ठाकुर साहब के यहाँ जा रहा हूँ, कल सुबह आऊंगा। ताला मैंने लगा दिया है लेकिन खिड़कियों में सलाखें अभी तक नहीं लगी हैं। पहला डबल कर दीजिएगा। वैसे बस जरूरत के लिए चाबियां देवी सिंह के पास। आप एकदम फिक्र न करें। थैंक यू। बोला रो बोला अबे 11 बजे जल्दी कर। और अपने इंदू किधर? इंदू? हाँ, अरे जा तो नहीं, कहाँ ले गए? दरवाजा भी खुला है। खैर जा। सो क्या? हाँ, इंदू चली गई। चलो छुट्टी हुई, अब आराम से पाँव पसार के सो जाओ, अपन तो चलते हैं। अबे अब तो उसे बचाना ही पड़ेगा चाहे जो कुछ हो जाए। तेरे पास उतरा है ना? फिर उतरा है कि नहीं? है तो सही। आ जा मेरे साथ। नरेंद्र सिंह जी, मैं भी उगरपुर का ठाकुर। कल अगर राजकुमारी इंद्रा की जगह कोई दूसरी लड़की हुई तो मैं शंकरगढ़ की ईट से ईट बजा दूंगा। आखिर उस बुड्ढे दीवान ने अपने आप को समझा क्या है? जय माता की। अरे आप कहाँ चले? आज रात यही आराम कीजिए, कल दोनों साथ साथ चलेंगे। मुझे साथी का साथ निभाना है, खतरे की परवाह मैं नहीं करता। अपने फ्रेंड्स का भी जवाब नहीं आता। सिगरेट तो पिला ले दो। मगर यार वाकई कमाल है। यहाँ से जाओ बोला, बाहर जाओ यहाँ से। क्यों आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो? अरे आग से खेलना तो शेरों का काम है, चाहे शेर मिट्टी का पीना। क्यों बोला? नहीं जाऊंगा, तुम्हें लेने आया था, तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। भोला, असलियत को समझने की कोशिश करो। ये शख्स मुझे यहाँ उड़ा कर नहीं लाया था, मैं खुद इसके साथ भाग के यहाँ आई थी। हिंदू? हाँ भोला, मुझे उससे मोहब्बत थी, मैं उससे शादी करना चाहती थी। मैंने तो कुछ और ही समझा था। आप क्या? ठहरो, मेरी पूरी बात तो सुन लो। बाद में एक लड़की के जरिए मुझे मालूम हुआ कि ये आदमी एक अव्वल दर्जे का बदमाश है, खूनी है। इससे मोहब्बत करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। फिर? और फिर उसी लड़की की मदद से मैंने जहर खाने का नाटक किया और तुम आए। लेकिन मेरे लिखे हुए कुछ लव लेटर्स और कुछ तस्वीरें अभी तक उसके कब्जे में हैं, इसीलिए मैं मजबूर हूँ। मैं अपने घर जा सकती हूँ, मैं पुलिस में रिपोर्ट कर सकती हूँ। बस इतनी सी बात तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने, वरना सारे लेटर अब तक अपने पास होते। तुमको तो मालूम ही होगा कि वो लेटर कहाँ है। हाँ, वो हर वक्त अपने कमरे में रखता है उसे। कमरा मालूम है? आइडिया, ऐसा करो कि तुम बीमार हो जाओ। Thank you.
बोलने भी ना दिया। मैं अगर इसे बोलने देता तो इसको पहले बोल जाती। अरे ये पलंग की तरफ जाने से मना कर रहा था। पलंग की तरफ? हाँ। तो काटना जरूर पानी लोगे। बिल्कुल। ठीक है, इसमें ये पे रास्ता। ये जिप लगा के रखी है। अरे अंदर भी है। अरे यही है वो कागजात। चलो। मगर विनोद को भी छुड़ाना है ना। उसको तो मेरे आते ही छोड़ दिया था। अच्छा। जय माता जी की। मॉर्निंग। पांच से पारी जाए को। चंपा तुम जाकर इंदिरा को ले आओ। जय माता जी की। राज माता, दीवान साहब दिखाई नहीं दे रहे। आते ही होंगे। बैठे कोई शतरंज की नई चाल तो नहीं चल रहा है? दीवान साहब। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? वैसे ही बैठा हूँ। मुझे सब मालूम है। आप जाकर रसोई में बैठिए, मैं भी आती हूँ। बेटी, जहाँ तक राजमाता की जान बचाने और उनका दिल बहलाने का ताल्लुक था, ठीक था। मगर मैं ठाकुर साहब के सामने तुझे राजकुमारी बनाकर कैसे पेश कर सकता हूँ? दूसरा कोई रास्ता भी तो मिल जाएगी। रास्ता हो या न हो, मैं गलत रास्ता अख्तियार नहीं करूँगा। दीवान चाचा, आप ही ने तो कहा था अपने बस में कुछ नहीं होता। हम तो सिर्फ मोहरे हैं। चाल भी उसी के हाथ और बाजी भी। बेटी चलिए ना चाचा जी, उठिए उठिए ना। अच्छी बात है, मैं भी आती। राजमाता, बस ठाकुर साहब आपको ऐसे मिले हैं कि चिराग लेकर ढूंढो तो भी कहीं ना मिले। सब भगवान की कृपा है बेटा। जय माता जी की। राजकुमारी साहबा। इंदिरा बेटी आ गई। ये थाल अंदर ले जाओ। पंडित जी, आप रस्म शुरू कीजिए। जी जी माता जी। अर्ज ये है राजमाता कि हमारे ठाकुर साहब रस्म से पहले राजकुमारी जी को देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ शादी से पहले लड़की के मुंह दिखाने का दस्तूर नहीं है। इस 20वीं सदी में पुराने रस्मों रिवाज की कौन परवाह करता है दीवान साहब? आप तो सिर्फ इतना मालूम कर लीजिए कि ये राजकुमारी इंद्राणी है। कहीं फिर तो माथेरान नहीं चली गई? क्या बकते हो? बकते ये नहीं, बकते आप है दीवान साहब की को राजकुमारी का लिबास पहनाकर एक ठाकुर के गले बांधना चाहती हो। शर्म नहीं आती? साफ क्यों नहीं कहते कि राजकुमारी जा रही नहीं? दबान को लगा दो ठाकुर, औकात से बात करो। तुम कौड़ी का दीवान उग्रपुर के ठाकुर को उसकी औकात समझाना चाहता है? तुम्हारी ये मजाल। ठाकुर साहब, आपको भी अपने मुंह से ऐसी बात नहीं निकालनी चाहिए। आप लड़की देखना चाहते हैं ना? लड़की आपके सामने है, रंग हटा दो। नहीं राजमाता, पर्दा नहीं हटेगा। हमने अपनी बेटी देना ने मंजूर किया है, अपनी इज्जत इनके हाथ नहीं बेची। जिनकी लड़की घर से भाग गई हो, भला उनकी भी कोई इज्जत होती है? ठाकुर, आज श्री ठाकुर से पाला पड़ा है दीवान। देखो यही है ना तुम्हारी राजकुमारी इंदिरा। इम्पॉसिबल। अब खामोश क्यों खड़े हो दीवान? जरा हाथ उठा के देखो ना। आप भी तो जरा हाथ उठा कर देखिए। और अगर आपकी इन आंखों में कुछ शर्म और हया बाकी हो तो फौरन यहां से निकल जाइए। ये लीजिए अपने कपड़े, लीजिए और उसकी आंखें। नंद सिंह जी, दीवान गालिम थे, शेख थे। अच्छा देख लूंगा। ग्लोरियस। आपकी उधर की गायब, आपकी इधर की गायब, आप इधर वाली मूछ भी उधर लगा दीजिए ताकि एक मूछ वाला तो इस मकान में हो। उल्लू के पट्टे। ये भी महज इत्तेफाक है। जॉन साहब, मैं आपसे क्या बताऊं? देखिए, बस 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 बस, आप बोलने की तकलीफ ना फरमाइए, वरना इधर की भी निकल जाएगी मूछ। उल्लू के पट्टे।
सुबह का भोला शाम को घर लौट आया। अब अगर पुलिस ने इत्तला की हुई तो अपनी ही जगह खाई होगी। ये तो सब ठीक हुआ दीवान साहब, लेकिन अब इंदिरा की शादी का क्या होगा? पहले भी सिर्फ एक की फिक्र थी, अब एक की जगह दो हो गई है। बिमला भी तो अपनी ही बच्ची है। हाँ राजमाता, बिमला को तो यहीं रहना होगा क्योंकि विनोद शादीशुदा है। शादीशुदा? लेकिन विनोद ने तो हमसे कभी नहीं बताया। ये एक ऐसा राज है जो वो खुद भी नहीं जानते। शादी उनके बचपन में। मेरी बच्ची बिमला, तुम मेरी छोटी बहन के बराबर हो। वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, कभी मुझसे जुदा नहीं होगी। बेटा फिर कहाँ चला? ओ माँ, कमाऊंगा नहीं तो फिर भूखे मरना पड़ेगा। अच्छा वो इंदू का है? मैंने कि यहाँ जरूर कहो तो मत बुलाना, वरना वो धरती धमक साथ में आन टपकेगी। मैं अकेले ही चला जाऊंगा। भोला क्या? भाई भोला तुम ही हो? जी आप कौन है? मैं शंकरगढ़ स्टेट का आदमी हूँ। हमारी राजकुमारी जी आपका दिन सुनना चाहती है। सुनना चाहती है? सुना माँ, तुमने राजकुमारी दिन सुनना चाहती है? बस ये समझ लो कि महीने भर की कमाई एक दिन में आई। लेकिन भाई एक शर्त है, मैं तुम्हारी मोटर में नहीं चलूंगा, पैदल चलूंगा। अच्छा जैसी आपकी मर्जी। हाँ, तो तुम आगे रहो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। ओके माँ। राजकुमारी की जय। राजकुमारी साहब तुम्हारी दिन सुनना चाहती है। दिन बजा के राजकुमारी का दिल खुश करो और मुँह मांगा इनाम पाओ। करो सपेरे वरना बेअदबी की सजा पाओगे। रुक क्यों गए सपेरे? बजाओ भी चाहता हूँ राजकुमारी साहिबा, आप दीन नहीं बजेगी। क्यों, क्या बात? बात यह है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आज कुछ को कोई दिखाई दे रहा है। घबराओ मत, इतना इनाम मिलेगा कि जिंदगी भर खाओगे तो भी खर्च ना होगा। शुरू करो। जी दूध और पानी का पानी कर दूंगा। हाँ उलट दे, उलट दे, उलट दे, उलट दे, उलट दे, उलट दे। शंकर का पैलेस में
हर साल की तरह इस साल भी पूजा का त्यौहार बड़ी धूम से मनाया जा रहा है। रात को जश्न होगा और वो जश्न की रात ही दीवान की आखिरी रात होगी, समझ गए? एक के बाद एक दो आ। शाबाश हैरन। आप बेफिक्र रहिए प्रिंस, मैदान हमेशा औरत के हाथ रहेगा। ठेकेदार जी। हुजूर, तुम्हें शंकरगढ़ पैलेस में हर साल मंडप सजाने का काम करते हो? जी सर। और देखो वो फूलदान वाली बात याद है, अब के साल फूलदान इतने बड़े होंगे कि जिसमें आसानी से हमारे लोग छुप सके। मैं सारी स्कीम समझ चुका हूँ सरकार। मिस्टर जॉन, रुपया देती है। रात के वक्त जबकि सारे महल में सन्नाटा छा जाएगा, तुम लोग फूलदानों से निकलोगे और इंदिरा को लेकर मिस्टर जॉन के पास पहुंच जाओगे। इसके बाद क्या होगा वो बाद में बताया जाएगा, तुम लोग जा सकते हो। मिस्टर जॉन, तुम जाके विनोद को खत्म कर दो और उसके खून आलूद कपड़े किसी भी सूरत से भोला के घर में रखवा दो। तब तो बदमाश के बचने की कोई सूरत बाकी नहीं रहेगी। प्रिंस, ये आखिरी दांव है, इसमें तख्त या तख्ता। अरे भाग चलो यहाँ से, फौरन भाग चलो। क्यों? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये चिड़िया उड़ा दो यहाँ से। अरे वो कौन थी? कौन थी? शंकरगढ़ की राजकुमारी। अबे होश में है तू? मैं तो होश में हूँ। कल महल में बुला के तुमको उल्लू बनाया था और फिर मोटर में बैठ के तुमसे पहले ही करा गई। समझ में आया कुछ? अब कहाँ है वो? चमेली के घर गई है। अरे चमेली के घर तो आज तक गई नहीं, अभी पूछा बुला के। चमेली बहन, ओ चमेली। क्या है, क्यों बहन न हुए? इंदू यहाँ आई थी। आई थी वो मेरी आए तो उसका सर फूट दूं मैं, समझा? सुन लो, अब क्या सोच रहे? तो उसने मेरा और मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। ये कौन सी नई बात है, बड़े आदमी हमेशा छोटे आदमी का मजाक उड़ाते हैं। खैर छोड़ो, पूजा के दिन एक लड़की दीवान को फोन करने वाली है और बड़े बड़े फूल लाने बैठ के उनके आदमी जाएंगे तुम्हारी राजकुमारी को उड़ाने के लिए। क्या कह रहा है? अरे बंगले में जाकर मैंने अपने कान से सारी बातें सुनी है। अरे ये तो वही शंकरगढ़ का आदमी है। बोला जी, पूजा की रात को हमारी राजकुमारी ने आपको तमाशे के लिए बुलाया है और ये 2000 रुपए खर्चे के लिए भी। अरे रुपये भी ले लिए, वापिस कर दो बड़े भैया, वरना बेमौत मर जाएंगे। कह दो कि तमाशा नहीं होगा। तो क्या तमाशा होगा? चाचा, शंकरगढ़ पैलेस चलना होगा पूजा की रात को तमाशे के लिए। ये लो 2000 रुपए। 2000? बेटा, इससे तो मैं खंडाले जाकर पूरी मंडली लेकर आऊंगा और ऐसा तमाशा करूंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। चाचा, ये तमाशा जिंदगी का आखिरी तमाशा होगा, इसमें जानों की बाजी लगेगी। एक क्या मतलब? मतलब ये चाचा की जबरदस्ती पराई आग में कूदना चाहता है, इतना तो समझा ना चाचा। क्या? चाचा तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। चलो चलो। माता जी आप यहाँ बैठी हैं, वहाँ सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ माता जी, मैं यहाँ पूजा में बैठी हूँ बेटा, तुम लोग जाके जश्न देखो। जाओ जाओ। चलो। नरेंद्र, हम आ गए हैं दीवान साहब, घबराइए नहीं, दोस्ती का हाथ। माय फ्रेंड मिस्टर जॉन, हाउ डू यू डू सर? हाउ डू यू डू? देख, ये है वो लड़की जो दीवान का खून करने वाली है। काले कपड़ों वाली? हाँ। राजकुमारी
कुमारी जी की जय। यही वो भोला है। अब आप अपना प्रोग्राम शुरू कीजिए। सके ना को बाल नबी का हो सके जो जग बैरी हो। मर तुझ पे दुनिया सारी और पीछा करे शिकारी गोरी, फंस नहीं जाना कहीं जाल में, फंस नहीं जाना गोरी जाल में। मर तुझ पे दुनिया सारी और पीछा करे शिकारी गोरी, फंस नहीं जाना कहीं जाल में, फंस नहीं जाना गोरी जाल में। दुनिया सारी और पीछा करे शिकारी गोरी, हद नहीं जाना कहीं जाल में, हद नहीं जाना गोरी जाल में। लड़की तुम्हारे साथ नहीं आई थी क्या? गाते गाते तुमने उसे बाहर करने का इशारा नहीं किया था? और क्या इसलिए दीवान को दौड़ के नहीं पकड़ा था कि उसका चाकू ठीक निशाने पर पड़े? वो तो अच्छा हुआ ने गोली चला दी, वरना उसके दूसरे वार से दीवान साहब कभी कभी हो चुके होते। जॉन, पुलिस को खबर कर दो। यस प्रिंस। पुलिस को तो खबर करना ही चाहिए, लेकिन पुलिस आकर गिरफ्तार किसे करेगी जानते हो? ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ दीवान साहब, ये भोला बीन बजाने वाला सपेरा नहीं है बल्कि अव्वल दर्जे का धोखेबाज लुटेरा है।
एक करोड़पति सेठ के लड़के विनोद का खून करके लाखों रुपए हत्या चुका है और अब आपका खून करके राजकुमारी इंदिरा से शादी करना चाहता है। ये सब झूठ है। आपकी आंखों पर तो मोहब्बत का पर्दा पड़ा हुआ है राजकुमारी जी। दबान संभाल की बात करो नरेंद्र। दीवान साहब आप इन्हीं से पूछिए कि इतने दिनों ये भोला के घर रही या नहीं, जवाब दीजिए राजकुमारी साहब। मिस्टर भोला आप इन कपड़ों को पहचानते हैं? ये तो विनोद के कपड़े हैं। विनोद के ये खून आलूद कपड़े आपके घर के पास मिट्टी में दबे हुए मिले हैं। भोला, आप लोगों में से भोला किसका नाम है? मैं हूँ भोला। भोला जी आप हमसे जितना चाहे रुपया ले लीजिए मगर हमारे विनोद को हमें दे दीजिए। बता दो कि वो कहाँ है। तू जिंदा है बिमला? बिमला जिंदा है। बिमला तो जिंदा है लेकिन आपका विनोद अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये सब इनकी मेहरबानी का नतीजा है जो आपके सामने खड़े हैं। तुम भोला क्या बिगाड़ा था हमने तेरा जो तूने एक माँ की गोद से निकल दी। एक्सक्यूज मी दीवान साहब, मुझे इन सबको पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। ये तो ठीक है ऑफिसर, लेकिन अब खून और भी हो गया है। मिस्टर भोला आप बिल्कुल खामोश करें, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना? मेरा प्रोग्राम ही मेरी सफाई पेश करेगा अगर आप इजाजत दें तो। ओके कैरी ऑन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने नाग देवता को कुछ किया, दूसरे हिस्से में नाग देवता विनोद की रूह को लाकर आपके सामने पेश करेंगे और फिर रूह खुद बताएगी कि असली मुजरिम कौन है। बेटा ठहरिए, सब लोग अपनी अपनी जगह पर रहे वरना रूह गायब हो जाएगी। ऐ आसमानी रूह हमारे साथ आओ। आओ गौर से देखकर पहचानो कि इनमें से तुम्हारा असली कातिल कौन है। नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत है, गोली मैंने जरूर चलाई लेकिन वो तुम नहीं थे। तुम तो भाई चौकीदार को अपना कपड़ा पहना के, मैं सच कहता हूँ खून इसका नहीं, वो खून तो उस चौकीदार का हुआ है। मैंने आपसे इसलिए नहीं कहा प्रिंस कि शायद आप मुझे कहीं गोली से न मार दें। ओह आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ कहा सब गलत कहा मैंने सब। रिवॉल्वर मुझे दे दो। अब हमारे प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा शुरू होता है। अब नागराज के उन खिदमत गुजारों को देखिए जो बहुत देर से पिटारों में अपना मुंह छुपाए बैठे हैं। Thank you.
तो अच्छा हुआ कि मैं भोला के यहाँ इत्तेफाक से पहुँच गया, वरना बेचारा मुसीबत में आ जाता। लेकिन मिस्टर विनोद, हमारी कामयाबी में भोला का बड़ा हाथ है। चलिए प्रिंस नरेंद्र सिंह, चलिए चलिए, तशरीफ ले चलिए, चलिए। मुझे माफ कर दो बिमला बेटी, विनोद की शादी की बात दरअसल झूठ थी। झूठ थी? हाँ। दीदी, दीदी शादी की बात झूठ थी दीदी। भोला राजकुमारी की जय। भोला, भोला कहाँ जा रही है? दिल छोटा मत करो बेटा, आखिर हम घर बार छोड़कर जाएंगे कहाँ? कहीं जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। जी छोड़ो बड़ा भैया, समझ में शादी कर लो, आखिर उसमें बुराई क्या है? सुनहली बेचारे ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, आ रहा है यहीं धरना लगाए बैठी। कहाँ हो वो आपने धरती धरना कहाँ जा रहा है? मर गए। अगर वो है तो फिर ये कौन है? अगर ये वो है तो फिर ये कौन? राजकुमारी इंद्रा देवी? राजकुमारी नहीं, भोला की इंद्रा। ये कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोला जी, इंसान न दौलत से बड़ा होता है न खानदान से, बड़ा वो है जो बड़े काम के। दीवान साहब, हमें जरा उस देवी के पास ले चलो जिसके लाल ने अपने जान की बाजी लगाकर तुम्हारी जान बचाई, मेरी इंद्रा को छुड़ाया। आइए योर हाइनेस। जान माता, अरे ये आप क्या कर रही हैं? रिश्ते में तो आप हमसे बड़ी हो। इंद्रा बेटी, चुप चुप दिया बेटी। मुबारक हो। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? पानी। अच्छा। ये सब क्या हो रहा है? पानी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? पानी। ये क्या हो रहा है? पानी 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 पानी।